मार्च को चुनावों की घोषणा के साथ हुआ था और थोड़ी देर में आखिरी चरण की वोटिंग थमने के साथ जनादेश ईवीएम में कैद हो जाएगा और ये ईवीएम खुलेंगी आज से 3 दिन बाद यानी 4 जून को। वो तारीख जब फैसला होगा कि देश की सत्ता पर कौन काबिज होने जा रहा है, हर किसी के मन में सवाल होंगे, अब की बार किसकी सरकार, क्या एनडीए के 400 पार के दावे में दिखेगा दम या फिर दिल्ली की गद्दी पर इंडिया गठबंधन का होगा राज। 4 जून को हिंदुस्तान का जनादेश सबके सामने होगा। लेकिन देश का सबसे बड़ा नेटवर्क न्यूज 18 आपके सारे सवालों और सस्पेंस से पर्दा आज उठाएगा। 4 जून का नहीं बल्कि कुछ पलों का इंतजार कीजिए। हालांकि हम बार बार ये साफ कर दें कि नतीजे 4 जून को ही आएंगे, 4 जून को ही आपका जनादेश सबके सामने आएगा। लेकिन आज हम समझेंगे कि अगली सरकार का अनुमान किस तरह से निकल कर सामने आता है। मैं देखता हूं ये आंधी है। एनडीए सरकार 400 पार, एक सीट के अलावा सब सीटें जीत रहे हैं। कौन सी सीट? एक लड़ाई में क्यूटो। हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटा खट, खटा खट, खटा खट, खटा खट आता रहेगा। रायबरेली की जनता भी खटा खट, खटा खट, खटा खट भेजेगी घर। बीजेपी हो जाएगा सफा चट, सफा चट, सफा चट। उनका मंगल सूत्र पर उन लोगों की नजर है। तेरी माँ का मंगल सूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, तो वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। पद की गरिमा रखे, पद की मर्यादा रखे। मुजरा हो रहा है, मुजरा नहीं मेरे भाई, क्या ये महिलाओं का अपमान नहीं है? जिसने खाया है उसे बाहर निकालूंगा। हम बीजेपी को भी उत्तर देंगे, ये हमारा वादा है। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। 140 करोड़ देशवासी वही मेरे वारिस है। 24/7 के लिए काम कर रहा हूं। वो बोल रहे हैं 347 तक अब 47 का शाश्वत भी रहेंगे। तो किस तरह सियासी पारा चढ़ा इन बयानों से उसकी आपने झलक देख ली। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं 4 जून को जो नतीजे सामने आएंगे उससे पहले जो अनुमान एग्जिट पोल लगाएगा वो तफसील आपके सामने होगी। तो न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल, सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का सबसे बड़ा सर्वे। थोड़ी देर में देश में अगली सरकार कौन बनाने जा रहा है उसका अनुमान, नतीजों से पहले जानिए देश का मूड। तो देश के मूड को भांपने की कोशिश न्यूज 18 पर मेगा एग्जिट सर्वे हम आपको दिखाएंगे। सबसे बड़ा ये सर्वे मेगा एग्जिट पोल, और जब आप इसके सैंपल साइज देखेंगे अलग अलग भाषाओं में कितने लोगों से चर्चा की गई तब आपको भी यकीन हो जाएगा। और कुछ देर में इसकी शुरुआत हम करेंगे। एग्जिट का मतलब ही होता है बाहर आना, और इसीलिए ये एग्जिट पोल जो बताएगा कि जनादेश को लेकर क्या निकलकर सामने आएगा। 4 तारीख को तस्वीर साफ होगी, औपचारिक ऐलान होगा, लेकिन उससे पहले मूड भांपने की एक कोशिश, ये एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल में क्या होता है थोड़ी देर में आपके सामने होगा। और जैसे कि बहुत अच्छी बात जो अपर्णा ने याद दिलाई, इसी एग्जिट शब्द से, एग्जिट यानी बाहर आना,
इसी शब्द से ये पूरी अवधारणा एग्जिट पोल की बनी हुई है। तो जो बूथ से एग्जिट हुआ, बाहर आया वोट देकर, उससे जानने की कोशिश और क्या कुछ उस कोशिश में निकला है वो आपके सामने कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगा। तो न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में हमने देश के 21 राज्यों की 518 लोकसभा सीट पर किया है सर्वे। और न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल की टीम ने देश के 95,000 वोटर्स से बातचीत की। 21 राज्य 518 सीट पर पहुंची टीम और जाना कि उनके मन में क्या रहा, वोट डालने के बाद क्या कहा उन्होंने। 95,000 मतदाताओं से बातचीत की गई इस सर्वे के लिए, इस एग्जिट पोल के लिए। एग्जिट पोल के सबसे विश्वसनीय डेटा के लिए हमारी टीम ने वैज्ञानिक विश्लेषण भी किया। जी हाँ, हवाई बात नहीं, वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया। 95,000 वोटर से बातचीत की, साइंटिफिक एनालिसिस यहाँ पर किया गया है और डेटा का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। हर आंकड़े की पुख्ता जांच पड़ताल की गई और उसके बाद हम आपके सामने एग्जिट पोल के जो आंकड़े लेकर आए हैं थोड़ी देर में वो आप स्क्रीन पर भी देख पाएंगे। हमारी टीम के पास लगातार आंकड़े आ रहे हैं और गहराई से जारी है विश्लेषण। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि हमारी स्क्रीन, इसके लिए लंबी तैयारी की गई है, दिन रात की मेहनत की गई है उन लोगों के द्वारा जो कैमरे के आगे नहीं पीछे से काम करते हैं। कैसी स्क्रीन तैयार की गई है, कैसे दिखेगी वो स्क्रीन, सबसे पहले आपको वो बताते हैं ताकि आप उस चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकें। और आज की ये जो तैयारी होगी, आज जो हम आपको बताएंगे, आज जो डाटा आप देखेंगे, आज जो डाटा सेंटर की हमारी तैयारी है, 4 तारीख को आपको एकदम नतीजे जब आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। खटाखट 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 टीवी स्क्रीन पर आपको सबसे ऊपर लोकसभा के 543 सीटों के आंकड़े नजर आएंगे और जैसे जैसे एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आएंगे ऊपर के आंकड़ों में बदलाव आता जाएगा। जबकि जो लेफ्ट और राइट साइड में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के बड़े राज्यों के आंकड़े आपको नजर आएंगे। एग्जिट पोल के आंकड़े कभी भी आ सकते हैं, लिहाजा आप रिमोट को हाथ में हाथ मत लगाइएगा क्योंकि सबसे सटीक एग्जिट पोल हम आपको दिखाएंगे। तो एग्जिट पोल के आंकड़े आपको दिखाएंगे, उससे पहले बता दें कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में देश की तस्वीर क्या थी और इसके लिए हम आपको ले चलते हैं हमारे क्रोमा स्टूडियो, जहां से हमारे सहयोगी पुनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अपर्णा और ललित आपका। तो ये तस्वीर जो है वो हम दिखाने वाले हैं कि तस्वीर क्या कुछ रही, 2014 में क्या कुछ तस्वीर थी, 2019 में क्या कुछ तस्वीर थी वो हम आपको बताने वाले हैं कि बीजेपी को, एनडीए को कितने वोट मिले थे, 2014 में क्या स्थिति थी और उसके बाद 2019 में क्या स्थिति बन गई, ये हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि कुछ ही देर बाद फिर जब 6 बजे के आसपास का वक्त होगा तब एग्जिट पोल जो है वो भी आना शुरू हो जाएगा। हालांकि नतीजे जो हैं फिर से हम बता दें कि 4 तारीख को ही आएंगे, लेकिन ये एग्जिट पोल है और इस पर जो सैंपल साइज है 95,000 का सैंपल साइज है और इस पर हमने लोगों से राय जानी है। 21 राज्यों में हमने सर्वे किया है और इस सर्वे के आधार पर हम सारी चीजें बताने वाले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है ये बताना कि क्या तस्वीर जो है पिछले चुनाव में नजर आई थी, यानी कि 5 साल पहले क्या तस्वीर थी और इसके अलावा 10 साल पहले यानी कि 2014 में क्या तस्वीर थी जब नई सरकार बनी थी, यानी कि बीजेपी की सरकार बनी थी, एनडीए की सरकार बनी थी और मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं इस वक्त, सीधे पहले यह सुनते हैं उसके बाद फिर आपको बताएंगे डेटा। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारी बैठक हुई, कम से कम 2.5 घंटे तक हमने बहुत से विषय पे चर्चा किए, खास करके चुनाव और चुनाव के वक्त क्या क्या
कमजोरियां हो सकते हैं और क्या क्या कठिनाइयां आ सकते हैं, किस ढंग से उन चीजों को हम निभाना है और करेक्शन कर लेना है, और हमारे कार्यकर्ताओं को जो इंस्ट्रक्शन देना है, तो उसके बारे में आज हम डिटेल चर्चा करके काउंटिंग के दिन जो हमको केयर लेना चाहिए, और हमारे कार्यकर्ता अब बहुत से गठबंधन पार्टी के नेता लोग पहले ही वो तय करके अपने केडर को बहुत से बार बोले हैं, लेकिन फिर भी हम एज ए प्रिकॉशन आज सब मिलके सबके सबको एक ही एक इशारा देना था कि हम किस ढंग से इस आते चुनाव के दिन लड़ना चाहिए और बोलना चाहिए, ये चीज पे हमने चर्चा की। दूसरा, हमारा जो गठबंधन का जो एक निर्णय ये है कि हम जो आज बीजेपी और उनके साथी लोग खास करके एग्जिट पोल पे बहुत वो लोग चर्चा करेंगे, और इसीलिए लोगों में कंफ्यूजन नहीं होना और वो जो नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमने सच्चाई इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस, 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे, ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। ये एक जनता की सर्वे है, हमारा सर्वे नहीं है, जो जनता। तो बड़ी खबर आप जान ही गए, कांग्रेस ने फैसला पलट लिया है एग्जिट पोल को लेकर, लेकिन इस वक्त हम मैजिक वॉल पर खड़े हैं और मैजिक वॉल क्या बता रही है, मैजिक वॉल बीते 10 सालों का आंकड़ा बता रही है, 2014 और 2019 में क्या परिस्थिति थी, देश ने क्या जनादेश दिया था, वो जानना बहुत जरूरी है और मैजिक वॉल पर खड़े हैं, और यह है हिंदुस्तान का नक्शा आपके सामने। देखिए धीरे 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 ऊपर आता हुआ यह नक्शा, 2014 की यह तस्वीर आप देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, और इसके बाद यह आंकड़ों पर भी नजर डाल लीजिए कि देश ने क्या जनादेश दिया था 2014 में। पूरे हिंदुस्तान का नक्शा कुछ इस कदर निकलकर सामने आया था, जिसमें बीजेपी ने 282 सीटें जीती थी और कांग्रेस के खाते में मात्र 44 सीटें आई थी। एडीएमके 37 सीटों पर थी, टीएमसी ने 34 सीटें जीती थी, बीजेडी 20 सीटों पर रही थी। यह पिछला 10 साल पहले का आंकड़ा आप याद कर लीजिए, याद इसलिए कर लीजिए क्योंकि 2019 और उसके बाद 2024 की तस्वीर भी तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाने वाली है, तो यह आपको अंतर जो है वो नजर आने वाला है। इससे आप समझ पाएंगे कि देश का मूड क्या है, जनता का मूड क्या है, क्या कुछ तस्वीर है। सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि अलायंस में क्या तस्वीर थी। तो अलायंस जो था 2014 में एनडीए 369 41.11% वोट पड़ा था, यह बहुत जरूरी है जानना। यूपीए मात्र 66 सीटें रह गई थी और 26.60% यूपीए को वोट मिला था। यह तस्वीर जो है 2014 के लोकसभा की तस्वीर है और अन्य के खाते में 108 सीटें गई थी और 32.29% वोट पड़ा था। अब बात करते हैं दूसरे साल की, यानी कि 2019 की तस्वीर की। तो 2019 की तस्वीर देखिए कितनी बदल गई, कितनी बदल गई 2019 की तस्वीर, और आंकड़े भी बदल गए। देख सकते हैं आप, एनडीए की सीटें जो है 350 46.86% वोट मिला था। यूपीए की बात करें 129 सीटें 34.47% वोट मिला था, यानी कि पिछले बार से 2014 के मुकाबले 2019 में यह बढ़ गया था। लेकिन पार्टी वाइज क्या तस्वीर थी, पार्टियों ने कितना कैसा प्रदर्शन किया था, कांग्रेस का प्रदर्शन क्या था, बीजेपी का प्रदर्शन क्या था, दिखाते हैं आपको कि बीजेपी और कांग्रेस का प्रदर्शन इसमें क्या तस्वीर थी। तो देखिए नक्शा वही है,
लेकिन पार्टियां आ गई और पार्टियों में देखिए बीजेपी 303 सीटें, पिछली बार का यह आंकड़ा है। कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी, 37.41% वोट, यह बहुत जरूरी है जानना। इसको देख लीजिए 2019 की तस्वीर और इसको याद कर लीजिए, यह पिछला वोट प्रतिशत था। तो बिल्कुल जिस तरह से पुनीत डिस्क्राइब कर रहे थे बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे दर्शकों को समझ में आ गया होगा, और उसकी एक वजह भी है, इतिहास आपको जान लेना जरूरी है, उसी के हिसाब से जब भविष्य आपने जो तय किया है वो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। यही वजह है कि पूरे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ पुनीत आपको समझा रहे थे कि 2019-2014 आपने किसे जनादेश दिया था। बिल्कुल, और 24 को लेकर जो अनुमान सामने आएगा एग्जिट पोल में ललित, वो थोड़ी देर में सामने होगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे, इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई थी और रोल बैक कर लिया गया है यहाँ पर। वो रोल बैक किया जाना, मुझे मतलब आपको अगर याद हो कुछ समय पहले इन्होंने तय किया था कि हम नहीं जाएंगे, हम कहीं डिबेट में नहीं जाएंगे, हम शामिल नहीं होंगे, तब लोगों ने खाली कुर्सियों से फजीहत करवा दी। जाइए जवाब रखिए, यही तो डेमोक्रेसी है। खैर, ये कांग्रेस का फैसला हुआ और अब उनसे भी हमारी बातचीत होगी, वो भी जुड़ेंगे, बहुत अच्छी बात है। और आंखों की हम बात कर रहे थे यहां पर, जिस तरीके से कांग्रेस ने फैसला बदला है, लेकिन एग्जिट पोल की तस्वीर सामने कैसे आएगी, परसेंटेज 2014-19 में क्या रहा था, अब उन पर नजर डालने का वक्त है। तो जरा हिस्ट्री की बात कर ली जाए, मध्य प्रदेश में मतदान कितना हुआ वो जान लीजिए। 2024 में आंकड़ा गया 66.87% और 2019 में आंकड़ा 71.2% था। गर्मी का फैक्टर, इमोशनल फैक्टर, ये दो बड़ी चीजें इन सबके बीच रही हैं। शादियां भी ललित, पहले दो फेज में शादियों के साए बहुत थे, जो मैंने देखा कि वहां पर इसलिए कहा गया कि बड़ी संख्या में लोग नहीं पहुंच पाए पोलिंग के लिए। तो ये दरअसल वोटिंग परसेंटेज की बात हमने इस वजह से भी कर ली कि इससे ज्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा कि आपने जो अपना जनादेश लॉक कर दिया है, आपने जो चीजें बता दी हैं, अब जब हम लोगों का मूड भांप रहे हैं तो उसके बाद क्या स्थितियां निकल कर आ रही हैं, ये आपके सामने अब वोटिंग परसेंटेज की स्थितियां। 2024 में हुआ ऐसा ललित ने बताया, 66.87% ये वोटर्स टर्नआउट रहा। 19 में 71.2% वोटर्स निकले थे, 19 के मुकाबले 24 में कम मतदान हुआ, तो उससे बीजेपी भी परेशान दिखी और कांग्रेस भी। छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, 2024 में 72.17% 72% से ज्यादा, 2019 में आंकड़ा 71% था। और जब हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़िया वोटर को बाहर लाने की जरूरत नहीं होती, बहुत बेहतरीन तरीके से वो निकलता है और ये इस बार नजर भी आ रहा है। और हमने लंबी लंबी कतारें देखी, पैर में चप्पल नहीं थी लेकिन मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए सजगता थी। राजस्थान का आंकड़ा है 2024 में 58.39%, 2019 में 66.34%, 19 में परसेंटेज था, 24 में गिरावट दर्ज की गई। और इसके कई वजह जिस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे थे, क्यों ऐसा स्थितियां हुई, हरियाणा में क्या स्थितियां थी। 2024 में 64.8% यहां पर वोट हुआ है, हरियाणा में बड़ी पॉलिटिकल तब्दीलियां भी रही हैं। हरियाणा में 2024 में 64.8%, जबकि 2019 में ये वोटिंग परसेंटेज 70.34% था। ये हरियाणा की स्थितियां हैं। दिल्ली की बात करते हैं, देश की राजधानी दिल्ली, 7 लोकसभा की 7 सीटें, 24 में हुआ 58.69% वोटर्स टर्नआउट दर्ज किया गया, 19 में था थोड़ा सा ज्यादा था 7.61%, 2019 का ये कुल मतदान प्रतिशत था। 24 में गिरावट थी, लेकिन गिरावट थी, गिरावट दर्ज की गई यहां पर। ये दिल्ली की स्थितियां जिसको हमने आपको बताया 2024 में क्या, 2019 में क्या। अब जरा जान लीजिए महाराष्ट्र पूरे साल भर या पिछले जो 5 साल रहे हैं, जबरदस्त वहां पर ऐसा लग रहा था कि रेस 3 रेस 4 देखी जा रही है। महाराष्ट्र की बात कर ली जाए, 2024 62.45%, 2019 61.02%, और बहुत मामूली सा इजाफा महाराष्ट्र के वोटिंग परसेंटेज में है। ये महाराष्ट्र की स्थितियां 2024 में क्या, 2019 में क्या स्थितियां यहां पर थी। और बीजेपी का गढ़ गुजरात, यहाँ गुजरात की बात करते हैं, 60.13% 2024 का वोटर्स टर्नआउट, 2019 में था 64.51%। क्लीन स्वीप बीजेपी यहां पर करती आ रही पिछले दो चुनाव के मुकाबले, पिछले दो चुनावों से लगातार। और यहां पर अब आंध्र प्रदेश का आंकड़ा आपके सामने है, आंध्र प्रदेश का आंकड़ा इस वजह से भी देख लीजिए, अगर आप ये दावा किया जाए कि साउथ में कोई मैजिक जैसी चीज होने वाली है,
आप आंध्र प्रदेश से ज्यादा उम्मीद रख सकते हैं। आंध्र प्रदेश 2024 में 80% से ज्यादा वोटिंग 80.86 है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में 81 पे पहुंचा सकते हैं। 2019 में 80.38% वोटिंग यहां पर हुई थी, आंध्र प्रदेश की वोटिंग परसेंटेज की स्थिति। और अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में देखिए 2024 में वोटर्स टर्नआउट रहा 69.72%, 2019 में था 72.46%। ये कुल मतदान प्रतिशत रहा। 2024 में तमिलनाडु में भी वोटर्स टर्नआउट में गिरावट देखने को मिली। तेलंगाना जिस तरह की राजनीतिक घटनाक्रम यहां पर हुए हैं, बहुत सारे घटनाक्रम हुए। अब तेलंगाना की बात कर ली जाए, 2024 में 65.67% मतदाता बाहर निकला वोट कास्ट किया, 2019 में 62.77% मतदाता बाहर निकले थे। वोटिंग परसेंटेज में जाहिर तौर पर इजाफा। तेलंगाना को आप ललित तेलंगाना सरकार कांग्रेस की है, तो यहाँ पर देखा गया कि वोटर्स टर्नआउट में इजाफा देखने को मिला। कर्नाटक की बात करते हैं, बीजेपी को कर्नाटक से ढेर उम्मीद है। कर्नाटक में 70.71% 2024 का ये आंकड़ा, और 19 में हुआ था 68.81% 2019 में कम था, 24 में ज्यादा मतदाता बाहर निकले और मताधिकार का इस्तेमाल किया। केरल, केरल की स्थितियां फटाफट जान लीजिए। 2024 में 71.27% वोटिंग, 2019 में 77.84% मतदाता यहां पर बाहर निकला था। एक बड़ी गिरावट 19 और 24 में आप यहां पर महसूस कर सकते हैं केरल की अगर बात कर ली जाए तो। तो ये आंकड़े हम लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज रहा 19 और 24 का। ये इस वजह से भी, हालांकि इस बार आंकड़े जो आ रहे हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं, अपडेट उनमें ज्यादा हो रहा है और तेजी से जो आंकड़े हैं उनमें आंकड़ों को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। केरल की स्थितियां ये आपने देख ली किस तरीके से केरल की स्थितियां हैं। और हमारे साथ खास मेहमान का जो जुड़ना के सिलसिला भी है वो शुरू हो गया है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता है मिलन भार्गव, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बतौर राजनीतिक विश्लेषक विलक्षण सक्सेना भी हमारे साथ जुड़ गए हैं।